humanities biology classes. Students, in the last class we had discussed about the different kinds of blood vessels as well as components of blood, parts of blood, composition of blood. Okay, and today we had discussed about the structure of heart. What structure? External structure of the heart, morphology of the heart. That means बाहर से हार्ट से हार्ट में बाहर से क्या क्या दिखता है आपको, वो हम बाहर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. एक्चुअली एनसीईआरटी की बुक में आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ जो हार्ट है वो डिटेल में नहीं दिया है. ओके, मगर हम यहाँ पे हार्ट का डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करने वाले हैं. एक्सटर्नल व्यू ऑफ द हार्ट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट वी आर डिस्कस हियर. ठीक है, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देखो आपको यहाँ पे एक्सटर्नल हार्ट के दो व्यू दिख रहे हैं. वेंट्रल व्यू मतलब जो भी नीचे से देता है आगे से देता है उसको वेंट्रल व्यू बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन हार्ट वेंट्रल साइड में है ना. ओके, तो वेंट्रल व्यू जो है ये है वेंट्रल व्यू. ओके, तो वेंट्रल व्यू में आप देखते हो हार्ट का जो अपेक्स है पॉइंट है लेफ्ट साइड में टिल्ट हुआ है ना. ओके, इसलिए आपको पता है हार्ट इज जनरली प्रेजेंट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. हार्ट कहां रहता है? लेफ्ट साइड में रहता है. कहां रहता है? इन बिटवीन टू लंग्स रहता है. और आपको पता होगा दो लंग्स के अंदर जो कैविटी होती है that cavity is called as mediastinum. The cavity between two lungs in which heart is located is called as mediastinum. तो heart का काम क्या है? Heart is called a blood pumping organ. Heart is called as blood pumping organ. It is the modified blood vessels. क्योंकि heart के wall में भी तीन layer से बनी हुई है heart के wall. कौन कौन से तीन layer से? Epicardium, myocardium और endocardium. वॉल ऑफ द हार्ट इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर. इपिकार्डियम सबसे बाहर का लेयर, मायोकार्डियम जिसके अंदर कार्डियक पसर रहते हैं, और एंडोकार्डियम जो इनर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम. तो हार्ट जो है, हार्ट की जो वॉल है तीन लेयर से बनी हुई है ना. ओके, हार्ट इज जनरली मेसोडर्मल ओरिजिन. आपको पता होगा एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर रहते हैं हमारे बॉडी में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, उसमें से जो मेसोडर्मल लेयर है उससे बनता है क्या? ब्लड भी, ब्लड वेसल भी और हार्ट भी. ये तीनों ऑर्गन मेसोडर्मल ओरिजिन है. कौन कौन से? ओके, ब्लड, देन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. अभी आप एक्सटर्नल देखते हो, दिस इज द वेंट्रल ऑफ हार्ट. वेंट्रल में देख रहे हो आप, दिस इज सुपेरियर वेना कैवा, जिसको हम प्री कैवल बोलते हैं, जो हेड से ब्लड लाते हैं कहां पे? राइट एट्रियम में, जिसको बोलते हैं सुपेरियर वेना कैवा. ये है इंपीरियर वेना कैवा, जिसको हम पोस्ट कैवल बोलते हैं. इंपीरियर वेना कैवा क्या बोलते हैं? पोस्ट कैवल. ये भी ओपन होते हैं कहां पे? राइट एट्रियम में. इसका मतलब हार्ट का जो राइट साइड है जिधर डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहां से? सुपीरियर वेना कैवा हेड से ला रही है, इंपीरियर वेना कैवा टुवर्ड्स लेग ला रही है, और फिर बाद में आप देखते हो इंप्योर ब्लड आने के बाद हार्ट में क्या होता है? आर्टेरियल से ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, और वेंट्रिकल से बाद में ये पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ जाता है ना. कौन लेके जाता है? लंग्स की तरफ, पल्मोनरी आर्टरी. फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ जाने के बाद लंग्स में प्यूरिफाई हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ब्लड, और फिर वापस आता है कहां पे? हार्ट में. और कौन लाता है? पल्मोनरी वेन. कौन लाता है? पल्मोनरी वेन. बाद में पल्मोनरी वेन लेफ्ट आर्ट्रियम में लाते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बाद में बॉडी पार्ट की तरफ जाती है, एंड बॉडी पार्ट की तरफ कौन लेके जाता है? दैट इज सिस्टेमिक aorta, जिसको हम aortic arch बोलते हैं ना, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट को सप्लाई करता है. ठीक है, तो ये हो गया वेंट्रल व्यू के बारे में इंफॉर्मेशन. यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि हार्ट के वॉल के ऊपर ये कोरोनरी सर्कस है. कोरोनरी सर्कस, दिस इज कॉल्ड एज कोरोनरी सर्कस. और ये जो कोरोनरी सर्कस है, दिस इज कॉल्ड एज कोरोनरी सर्कस. इस कोरोनरी सर्कस में क्या होता है? कोरोनरी सर्कस से क्या होता है? दो टाइप के ब्लड वेसल आते हैं, एक कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन. आप बोले कोरोनरी आर्टरी क्या है सर? कोरोनरी आर्टरी जो है हार्ट के वॉल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है. कौन? कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट वॉल, एंड कोरोनरी वेन रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट वॉल. मतलब हार्ट के वॉल को सप्लाई करने वाला कोरोनरी आर्टरी है, हार्ट के वॉल से रिसीव करने वाला कोरोनरी वेन है, और कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन हार्ट के वॉल को देते हैं और लेते हैं, इसीलिए दोनों को बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन. Coronary circulation, that is circulation occur between the coronary artery and coronary vein, उसको बोलते हैं coronary circulation. ठीक है, तो coronary artery and coronary vein दोनों आते हैं कहां से? Coronary circus से. ठीक है, ये हो गया ventral view. बाद में ये dorsal view में क्या दिख रहा है आपको? Dorsal तो उल्टा हो गया ना.
ओके देखो इधर सुपेरियर वेना क्या है, इंफेरियर वेना क्या है, जो इधर ये साइड में थी अब इधर आ गई ना, ओके मतलब जो राइट साइड में थी अभी लेफ्ट साइड में आ गई, कौन सुपेरियर वेना क्या हुआ, बाकी के ब्लड वेसल सेम है, ये सीसी में कावटा बाद में पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है किसको, लंग्स को, कहां से, हार्ट से, कौन पल्मोनरी आर्टरी, फिर बाद में लंग्स में प्यूरिफाई होने के बाद, ऑक्सीजन होने के बाद फोर पल्मोनरी वेन रहते, फोर पल्मोनरी वेन, एक लंग से दो और दूसरे लंग से दो, मतलब चार पल्मोनरी वेन आते हैं, कहां पे आते हैं, ओके ये था लेफ्ट आर्टेरियम, ये है राइट आर्टेरियम आता है ना, ओके राइट आर्टेरियम में आता है और राइट आर्टेरियम में आने के बाद डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, ओके ये भी याद रखना कि अभी हार्ट का कवर क्या है, मैंने हार्ट के वाल तो बोल दिया आपको, तो वाल ऑफ द हार्ट इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स, हार्ट के वाल तीन लेयर से बनी हुई है, कौन कौन से तीन लेयर, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, इपिकार्डियम में क्या रहता है, फाइब्रस टिश्यू रहता है, प्रोटेक्टिव कवर रहता है, मायोकार्डियम में क्या रहता है, कार्डियक मसल रहते हैं हार्ट के अंदर, और एंडोकार्डियम क्या है, इनर मोस्ट लेयर है ना, एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर, ओके अभी देखते हैं हार्ट कवर, हार्ट का जो कवर है उसको क्या बोलेंगे, हार्ट सैक बोलते हैं, और उस हार्ट के सैक को बोलते हैं पेरिकार्डियम, एक्चुअली हार्ट का प्रोटेक्शन कौन कौन कर रहा है, हार्ट को आगे से प्रोटेक्शन करता है स्टर्नम, बताओगे आपको स्टर्नम, ब्रिज बोन, बाद में बाजू से कौन प्रोटेक्शन करता है, रिब्स, पीछे से कौन प्रोटेक्शन करता है, वर्टिब्रो कॉलम, और नीचे से कौन प्रोटेक्ट करता है, डायफ्राम, मतलब हार्ट को चारों बाजू से प्रोटेक्शन होता है, हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय ऑल प्रोटेक्टेड इन ऑल डायरेक्शंस, ओके बाय डिफरेंट ऑर्गन्स, अभी पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम में हार्ट कवर, और पेरिकार्डियम में दो लेयर रहते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम जो आउटर है, जो फाइबर से बना हुआ है उसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो टफ रहता है प्रोटेक्टिव रहता है, कौन फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है फाइबर से बना हुआ है, प्रोटेक्टिव है, कोलेजन फाइबर से बनता है, बाद में सेरस पेरिकार्डियम जो इनर है, सेरस पेरिकार्डियम जो है इनर है, एंड सेरस पेरिकार्डियम का और दो पार्ट बनते हैं, आउटर पैराइटल लेयर एंड इनर विस्सेरल लेयर, किसके, सेरस पेरिकार्डियम के और दो पार्ट्स, आउटर पैराइटल लेयर, इनर विस्सेरल लेयर, और याद रखना ये पैराइटल लेयर एंड विस्सेरल लेयर दोनों के अंदर एक गैप रहता है, उस गैप को बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, ओके सेरस पेरिकार्डियम के दो पार्ट कौन से हुए, पैराइटल लेयर एंड विस्सेरल लेयर, ये दोनों के अंदर एक कैविटी बनती है, उस कैविटी को बोलते हैं स्पेस को बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, एंड दैट पेरिकार्डियल स्पेस इज फिल्ड विद पेरिकार्डियल फ्लूइड, तो ये हो गया पेरिकार्डियल फ्लूइड, अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है, और पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, हार्ट को प्रोटेक्शन करता है, हार्ट को शॉक अब्सॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है, ओके हार्ट को डैमेज नहीं होने देता, कौन पेरिकार्डियल फ्लूइड, या उसको ट्रेसिकेशन नहीं होता, ड्राई होने नहीं होने देता, तो ये पूरे स्ट्रक्चर है, दिस इज ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ओके दैट इज वेंट्रल वॉल ऑफ हार्ट, डॉर्सल वॉल ऑफ हार्ट एंड कवरिंग ऑफ हार्ट, हार्ट का जो कवर है जिसको हमने पेरिकार्डियम बोला है, और उसी के साथ साथ मैंने हार्ट की वाल भी बोला, याद रखना हार्ट की वाल तीन लेयर से बनी हुई है, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, तो इपिकार्डियम जो है टच करता है किसको, विसरल लेयर को, विसरल लेयर क्या है, पेरिकार्डियम का इनर मोस्ट वॉल है ना, विसरल लेयर, और हार्ट की वाल का आउटर मोस्ट वॉल कौन सा है, पेरिपिकार्डियम, तो इपिकार्डियम एंड विसरल लेयर दोनों एक दूसरे को टच करते हैं और दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसलिए यहाँ पे हार्ट कवर अलग बात है और हार्ट वॉल अलग बात है, याद रखना है हार्ट कवर क्या है, पेरिकार्डियम है, और हार्ट की वॉल क्या है, ये तीन लेयर से बने हुए हैं, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया एनिट में क्या ऑड मैन आउट, फाइंड ऑड मैन आउट, फाइंड ऑड मैन आउट कौन सा, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम, तो आपको लिखना है पेरिकार्डियम, व्हाई, बिकॉज पेरिकार्डियम इज नथिंग बट द हार्ट कवर नॉट हार्ट वॉल, और हार्ट की वॉल कितने लेयर से बनी हुई है, तीन लेयर से बनी हुई है, बाहर से अंदर इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, तो ये हो गया आज के बारे में, आज का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हार्ट का मैंने आपको बताया अलोंग विद पेरिकार्डियम, थैंक यू, हैव अ गुड डे, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू द मंगनाई बायोलॉजी क्लासेस, स्टूडेंट यस्टरडे इन द लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ द हार्ट वी हैड डिस्कस इन द लास्ट क्लास, व्हाट आर द स्ट्रक्चर एक्सटर्नली यू आर अपीयर प्रेजेंट ऑन द हार्ट वी आर स्टडी इन द लास्ट क्लास, नाउ टूडे वी आर डिस्कस अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनाटॉमी ऑफ हार्ट, एंड इन द एनाटॉमी ऑफ हार्ट वी आर डिस्कस अबाउट द डिफरेंट चैम्बर्स एज वेल एज डिफरेंट ब्लड वेसल्स
present in the heart. Okay, so actually in the heart there are four chambers are located, four chambers are present. Already in the last class I have told you heart is mesodermally origin. Origin of the heart is generally mesodermal. Heart is present in the mediastinum cavity called as cavity between the two lungs. And here in this diagram we are discussing about the internal structure of heart, and internally heart has four chambers. Upper two chambers are called as auricles and lower two chambers are called as ventricles. Auricle is also called as atrium, or auricle is also called as blood receiving chambers. Both the auricle receive chambers, so that both the auricle receive blood, so that's why auricle is also called as blood receiving chambers, and ventricle help in the distribution of blood. Okay, from heart to body part, yeah, heart to lungs, and that's why ventricle is also called as blood distributing chambers. Auricle is called as blood receiving chambers, and ventricle is called as blood distributing chambers. तो यहाँ पे actually क्या हो रहा है? आप देख सकते हो, auricle के अंदर जो blood आ रहा है, right auricle के अंदर तीन place से आ रहा है. One is superior vena cava, जो head से लाती है blood, head region से. Inferior vena cava, जो leg region से blood लाती है. और तीसरा coronary sinus, जो heart के wall में जो impure blood था, that means coronary vein जो हार्ट के वाल में थी वो यहाँ पे ओपन होती है, कहाँ पे? राइट ऑरिकल में, एंड दैट इज कॉल्ड एज कोरोनरी साइनस, एंड दैट कोरोनरी साइनस इज गार्डेड बाय थिबेसियन वाल्व. लाइक दैट इंपेरियर वेना कैवा जो लेग से ब्लड लाती है राइट ऑरिकल में, उसको भी गार्ड करने वाला कौन है? यूस्टाचियन वाल्व. ओके, इंपेरियर वेना कैवा इज गार्डेड बाय यूस्टाचियन वाल्व, coronary sinus is guarded by thibacian valve. तो इसका मतलब क्या हुआ? राइट ऑरिकल के अंदर जो ब्लड आया ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आया. उसी तरह लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा ब्लड आया? लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, प्योर ब्लड आया. वो कहां से आया? फ्रॉम लंग्स आया. और लंग्स में से किसने लाया? पल्मोनरी वेन. फ्रॉम लंग्स फोर पल्मोनरी वेन ओपन इनटू द लेफ्ट ऑरिकल. फ्रॉम लंग्स फोर पल्मोनरी वेन आराइज, एंड दैट फोर पल्मोनरी वेन ओपन इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, एंड हियर इन लेफ्ट ऑरिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर. दैट मींस हार्ट हैज टू ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल रिसीव डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट ऑरिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड. राइट ऑरिकल रिसीव डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, एंड लेफ्ट ऑरिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स. ओके, नाउ ब्लड इज एंटर्ड इन द ऑरिकल. नाउ फ्रॉम ऑरिकल ब्लड ट्रांसपोर्ट इन टू द वेंट्रिकल, ना रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स, दैट इज राइट ऑरिकल इन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल इन लेफ्ट वेंट्रिकल. व्हाई? बिकॉज यू नो इन बिटवीन टू ऑरिकल देयर इज अ पार्टीशन, दैट इज कॉल्ड एज इंटर ऑरिकुलर सेप्टम. लाइक दैट इन बिटवीन टू वेंट्रिकल ऑल्सो देयर इज अ पार्टीशन कॉल्ड एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, एंड दैट्स व्हाई राइट पार्ट ब्लड एंड लेफ्ट पार्ट ब्लड आर नॉट मिक्स. राइट पार्ट का जो ब्लड है और लेफ्ट पार्ट का जो ब्लड है मिक्स नहीं हो पाता, क्योंकि ऑरिकल के अंदर और वेंट्रिकल के अंदर क्या है? सेप्टम है, पार्टीशन है. ओके, सो ऑरिकल की वॉल जो है थिन है. कंपेरेटिवली देखो, ऑरिकल हैज थिन वॉल एंड वेंट्रिकल हैज थिक वॉल. वेंट्रिकल की वॉल कैसी है? थिक है. व्हाई थिक? बिकॉज दे पुश द ब्लड, दे पंप द ब्लड from heart to lungs or body parts, and that's why ventricle wall is generally thicker as compared to auricles. Okay, and that's why ventricle is also called as blood distributing chambers. क्योंकि ventricle क्या कर रहे हैं? Blood distribute कर रहे हैं, blood बाहर लेके जा रहे हैं. कहां से? Heart से बाहर लेके जाते हैं, इसलिए ventricle को बोलते हैं blood distributing chambers. Okay, so now auricle जो है ऊपर के chambers से, ventricle lower chambers से. Even though आपको मैंने कल बोला था जो हार्ट की वाल है, वाल ऑफ द हार्ट इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. सो उसमें से जो मिडल लेयर था मायोकार्डियम, उस मायोकार्डियम में क्या रहता है? कार्डियक मसल रहते हैं. मिडल वाल ऑफ द हार्ट कॉल्ड एज मायोकार्डियम, एंड मायोकार्डियम कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल, एंड कार्डियक मसल का क्या हो जाता है फिर? कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है,
जिसकी वजह से वेंट्रिकल क्या करते हैं, ब्लड पंप करते हैं, ब्लड पुश करते हैं किधर, बॉडी पार्ट को, एंड इसीलिए वेंट्रिकल की जो वाल है एज कम्पेयर टू ऑरिकल ठीक रहती है, क्योंकि उसके अंदर कार्डियक मसल रहते हैं मायोकार्डियम के अंदर, इसलिए ब्लड पुश कर पाते हो। ओके, और मैंने पहले ही बोला आपको दोनों आर्टेरिया के अंदर सेप्टम है, उसको बोलते हैं इंट्राऑरिकुलर सेप्टम। यहाँ पे याद रखो इंट्राऑरिकुलर सेप्टम के अंदर एक डिप्रेशन रहता है, एंड दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड एज फोसा ओहेलिस इन एडल्ट। इंट्राऑरिकुलर सेप्टम हैज वन डिप्रेशन इज कॉल्ड एज फोसा ओहेलिस इन एडल्ट, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ ओहेली इन फेटस। फेटस के अंदर इसको बोलते फोरामेन ऑफ ओहेली, एडल्ट में इसको बोलते फोसा ओहेलिस। क्या है फोसा ओहेलिस? डिप्रेशन है। कहां पे है डिप्रेशन? इंटरऑरिकुलर सेप्टम में। लाइक दैट पल्मोनरी एओर्टा एंड सिस्टेमिक एओर्टा, लिसन, ये पल्मोनरी एओर्टा है और ये सिस्टेमिक एओर्टा है, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक टिश्यू प्रेजेंट रहता है, एंड दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज लिगामेंटम आर्टेरियोजम इन एडल्ट। और एक बार रिपीट, पल्मोनरी एओर्टा को और सिस्टेमिक एओर्टा को, दोनों को जोड़ने वाला जो टिश्यू है, एंड दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज लिगामेंटम आर्टेरियोजम इन एडल्ट, और उसी को हम बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोजस इन द फेटस। लिगामेंटम आर्टेरियोजम इन द एडल्ट एंड डक्टस आर्टेरियोजस इन द फेटस। ओके, नाउ दीज आर फोर चैम्बर्स, इंट्राऑरिकुलर सेप्टम ऑलरेडी ओवर, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ऑलरेडी ओवर। नाउ इन बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल देयर इज अ सेप्टम इज प्रेजेंट कॉल्ड एज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। हियर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, बट दैट सेप्टम हैज टू ओपनिंग, वन इज कॉल्ड एज राइट आर्टेरियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग एंड दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट आर्टेरियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग। दिस इज राइट आर्टेरियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग, दिस इज लेफ्ट आर्टेरियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग, एंड दैट ओपनिंग इज प्रेजेंट इन बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एक्चुअली जो सेप्टम है, दैट सेप्टम इज कॉल्ड एज कोरोनरी सल्कस, इसको हम बोलते हैं कोरोनरी सल्कस बाहर से। ओके, जो सेप्टम बाहर से दिखता है आपको, बाहर से उसको बोलते हैं कोरोनरी सल्कस, और जो अंदर से उसको बोलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसके अंदर ओपनिंग है। और याद रखना राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ओपनिंग है उसको गार्ड करने वाला जो वाल्व है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। वाल्व मींस फ्लैप्स, कस्ट। ओके, व्हाट इज कस्ट? द ओपनिंग इज कंट्रोल्ड बाय दिस कस्ट। सो इन बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ओके, द ओपनिंग इज प्रेजेंट एंड दैट ओपनिंग इज कंट्रोल्ड बाय, ओपनिंग इज कंट्रोल्ड बाय हु? ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व मींस हैविंग थ्री कस्ट। सेम लाइक दैट इन बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, द ओपनिंग इज प्रेजेंट कॉल्ड एज लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग, लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग, एंड दैट इज गार्डेड बाय बाइकस्पिड वाल्व, आल्सो कॉल्ड एज मिट्रल वाल्व। ओके, बाइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व, वेयर इज प्रेजेंट? इन बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, द ओपनिंग इज प्रेजेंट एंड दैट ओपनिंग इज गार्डेड बाय बाइकस्पिड वाल्व एंड also called as mitral valve, right? Now, how to remember the name of this valve in Marathi? मी तुम्हाला मराठी मध्ये सांगतोय, ह्या वाल्वचं नाव लक्षात कसं ठेवायचे? आर्टेरियो वेंट्रिकुलर, म्हणून तुला माहित आ हो, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर आ हो, तिरुपतीला चलाना, ट्रायकस्पिडला माहित तिरुपतीला चलाना, आ हो तिरुपतीला चलाना, इकडं पुन्हा आ हो बालाजीला चलाना, कोणासोबत? मित्रांसोबत। ओके, पुन्हा एक बार सांगतोय, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर ओपनिंग आहे, त्याला गार्ड करणाऱ्या वाल्वला म्हणतात ट्रायकस्पिड आणि बायकस्पिड वाल्व। तर इकडे लक्षात ठेवण्यास तुम्हाला हिंट सांगत आहे, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर म्हणून आहो म्हणायचं, आहो तिरुपतीला चलाना, इकडं आहो बालाजीला चलाना, कोणासोबत? मित्रांसोबत। इसका मतलब ये हिंट है किसके लिए? ये वाल्व का नाम याद रखने के लिए, और ये वाल्व कहां पे प्रेजेंट रहते हैं वो याद रखने के लिए ये हिंट है। सो बायकस्पिड वाल्व हैज टू फ्लैप्स, टू हॉल्स। ओके, अब याद रखना जब ट्राइकस्पिड एंड बायकस्पिड वाल्व ओपन हो जाती है तो ऑरिकल के अंदर का ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है ना,
ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो गई या बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो गई तो ब्लड अलाव होता है, ऊपर से नीचे आता है ना, कहां पे? ऑरिकल के अंदर का ब्लड वेंट्रिकल में आता है। कब? जब ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाते हैं तो ऑरिकल के अंदर का ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है, रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल बोल रहा हूं, वेंट्रिकल में आ जाता है। और आप याद रखना, अभी अभी ब्लड कहां आ गया? वेंट्रिकल के अंदर आ गया। नाउ फ्रॉम वेंट्रिकल ब्लड गोज आउट, वेंट्रिकल से अभी ब्लड बाहर जाने वाला है। कहां बाहर? हार्ट के बाहर जाने वाला है। तो याद रखना, राइट वेंट्रिकल के अंदर का जो ब्लड है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो किधर जा रहा है? लंग्स की तरफ जा रहा है और वो कौन लेके जा रहा है? पल्मोनरी एओर्टा। और एक बार रिपीट, राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड था डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ओके कैरी या ओपन इनटू द पल्मोनरी एओर्टा, दैट मींस राइट वेंट्रिकल ओपन इनटू पल्मोनरी एओर्टा ओके, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन इनटू सिस्टमिक एओर्टा, दैट मींस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो किधर जा रहा है? बॉडी पार्ट को जा रहा है। और बॉडी पार्ट को कौन लेके जाता है? सिस्टमिक एओर्टा, आल्सो कॉल्ड एज एओर्टिक आर्च। फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड टू बॉडी पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ सिस्टमिक एओर्टा और एओर्टिक आर्च। अब याद रखना, पल्मोनरी एओर्टा के बेस में या सिस्टमिक एओर्टा के बेस में, दोनों के बेस में एक वाल्व रहती है, दैट वाल्व इज कॉल्ड एज सेमी लूनार वाल्व, सेमी हाफ लूनार हाफ मून शेप्ड वाल्व रहती है, उसको बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व, वेर इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पल्मोनरी एओर्टा एंड सिस्टमिक एओर्टा, आल्सो कॉल्ड एज सेमी लूनार वाल्व, आल्सो कॉल्ड एज पल्मोनरी वाल्व एंड सिस्टमिक वाल्व। जो पल्मोनरी एओर्टा के बेस में पल्मोनरी वाल्व, सिस्टमिक एओर्टा के बेस में सिस्टमिक वाल्व, उसको बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व। और सेमी लूनार वाल्व क्या करते हैं? फिर प्रिवेंट करती है। सेमी लूनार वाल्व, इसका मतलब याद रखना, ऊपर से ब्लड नीचे आ गया, ये दोनों ओपन हो गए ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, बाद में ब्लड नीचे आ गया वेंट्रिकल में, ये दो बंद हो गए, कौन? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड क्लोज हो गए, फिर क्या ओपन होगा? सेमी लूनार वाल्व ओपन होगा और वेंट्रिकल के अंदर का ब्लड बाहर जाएगा ना। सो आपको पता होगा यहाँ पे वाल्व का काम क्या है, वाल्व हेल्प टू मेंटेन द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। जो वाल्व है ना, वो ट्राइकस्पिड वाल्व हो, बाइकस्पिड वाल्व हो, यूस्टाचियन वाल्व हो, थिबेशियन वाल्व हो, या फिर सेमी लूनार वाल्व हो, जितने भी वाल्व्स यहाँ पे है, ऑल द वाल्व्स इन द हार्ट प्रेजेंट इन द मेंटेनिंग यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड को एक ही डायरेक्शन से मूव करने के लिए, पुश करने के लिए हेल्प करते हैं, इसलिए यहाँ पे वाल्व है, राइट। तो अभी रहेगा क्या पार्ट्स? कौन सा? फोरामेन कोहाली फोसा वाली सोम्या। अभी याद रखना, वेंट्रिकल के अंदर दो टाइप के रिजेस है, स्मॉलर रिजेस है, स्मॉलर रिजेस इज कॉल्ड एज कॉलमनी कॉर्नी, इंटरनली इनसाइड द वेंट्रिकल द स्मॉलर रिजेस इज प्रेजेंट कॉल्ड एज कॉलमनी कॉर्नी, आल्सो कॉल्ड एज ट्रैबेकुली कॉर्नी। वेंट्रिकल के अंदर छोटे रिजेस रहते ओके, उसको बोलते हैं कॉलमनी कॉर्नी या ट्रैबेकुली कॉर्नी। और जो बड़े रिजेस रहते हैं, बड़े रिजेस वेंट्रिकल के इंटरनली, जो बिग रिजेस रहते हैं, दैट बिग रिजेस इज कॉल्ड एज पैपिलरी मसल्स। इंटरनली इनसाइड द वेंट्रिकल लार्ज रिजेस आर प्रेजेंट कॉल्ड एज पैपिलरी मसल्स। नाउ लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर कनेक्टेड टू द पैपिलरी मसल्स विद द हेल्प ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉर्डिटेंडाइनी। अगेन रिपीट, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व आर कनेक्टेड टू द पैपिलरी मसल्स विद द हेल्प ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कॉर्डिटेंडाइनी। इसका मतलब कॉर्डिटेंडाइनी का जो स्ट्रक्चर है वो थ्रेड लाइक है, इलास्टिक है, वो क्या करता है? खींचता है ऊपर, ऐसे ऊपर खींच लिया तो वेंट्रिकल ऐसे ऊपर उठ जाता है और वेंट्रिकल के अंदर का ब्लड ऐसे बाहर निकल जाता है। कहां से? हार्ट के अंदर से बाहर चला जाता है, दैट मींस वो लंग्स की तरफ जाए या फिर बॉडी पार्ट की तरफ जाए। इसका मतलब हार्ट जो है ब्लड पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड पंपिंग स्टेशन है, जो ब्लड बॉडी के पार्ट को सप्लाई करता है ओके। सो दिस इज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और हार्ट के अंदर जो वाल्व है, जो ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड कैरी करने वाले है, उनका सबका मैंने आपको एक्सप्रेशन दे दिया है। पहले मैंने बोला राइट आर्टिकल और लेफ्ट आर्टिकल कंपैरिजन में राइट आर्टिकल बड़ा है, क्योंकि राइट आर्टिकल पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड लेता है, और वेंट्रिकल वेंट्रिकल में लेफ्ट आर्टिकल बड़ा है, क्योंकि वेंट्रिकल पूरे बॉडी पार्ट को सप्लाई करता है।
लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी पार्ट को सप्लाई करता है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वाल है 3 times थिकर एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल कंपेरिजन में लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वाल है 3 times थिक है, और इसलिए अगर प्रेशर आया वेंट्रिकल के ऊपर तो उस प्रेशर वो झेल पाता है, मतलब एक्सेप्ट कर पाता है, और जिसकी वजह से वेंट्रिकल के अंदर से ब्लड बाहर इजिली पुश करते हो ओके फ्लो करते हैं। इसलिए ये पूरा इंटरस्ट्रक्चर हार्ट का फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी आर कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ गुड डे। लंग्स टू द हार्ट। Now, let's look at the structure of the human heart in detail. The heart is about the size of a fist and lies in the thorax between the two lungs, slightly tilted towards the left lung. It is protected by a double-walled membranous sac called the pericardium, which encloses pericardial fluid. It has 4 chambers that include 2 upper small atria and 2 lower large ventricles. A thin muscular wall called the interatrial septum separates the 2 atria, while a thick interventricular septum separates the 2 ventricles. Besides, a thick fibrous tissue called the atrioventricular septum separates the atria from their respective ventricles. However, there are openings between the chambers of the heart, which are guarded by 3 types of valves that allow the flow of blood in one direction. The tricuspid valve is made of 3 muscular flaps or cusps and guards the opening to the right atrioventricular septum. The bicuspid or mitral valve is made of 2 muscular flaps or cusps and guards the opening to the left atrioventricular septum. The semilunar valves guard the opening between the right ventricle and pulmonary artery and between the left ventricle and aorta. When these valves close, they produce a lub-dub sound heard during a heartbeat. While the closure of the tricuspid and bicuspid valves produces the first sound, lub, the closure of the semilunar valves produces the second sound, dub. Also, specific regions in the heart consist of specialized cardiac muscles called nodal tissues. The first nodal tissue, the sinoatrial node or SAN, is present in the top right corner of the right atrium. On the other hand, the second nodal tissue, the atrioventricular node or AVN, is present in the bottom left corner of the right atrium near the atrioventricular septum. Another group of nodal tissues starts as an atrioventricular bundle or AV bundle from the AVN and passes through the atrioventricular septum and then through the interventricular septum. This finally branches into right and left bundles in the ventricles to form minute Purkinje fibers over the ventricles. All these fibers together form the bundle of His. Here the SAN can automatically generate around 70 to 75 action potentials or electrical impulses per minute. This action potential is transmitted to every other part of the heart through the AV node and bundle of His to bring about the rhythmic contraction of the heart. This is why the average heart beats 72